अच्छा, ये वर्ड भी हाईली कंपैरेटिव है बहुत। अब हमने कोशिश ये करनी है कि वी टू फाइंड अनदर वन, फिर कुछ नया सोच रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी बाय लर्निंग अबाउट योर पर्पस, बाय लर्निंग अबाउट योर सेल्फ। ये ट्राई कर लेते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई योर कैपेबिलिटी बाय लर्निंग अबाउट योर सेल्फ। अगेन कॉम्पिटिशन की वजह से हम पीछे रह गए हैं। लर्निंग अबाउट योर लाइफ पर्पस, लेट्स सी ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। वंस अगेन हाईली कंपेरेटिव, अबाउट योर पर्पस एंड लाइफ, फिर चेक करते हैं। और मैं योर सेल्फ लिख के बाकी को काट रहा हूँ। लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई योर कैपेबिलिटी बाय लर्निंग अबाउट योर सेल्फ। दिस अगेन कॉम्पिटिटिव एंड हाईली फाइंडिंग योर कैपेबिलिटीज यूजिंग योर लाइफ पर्पस, लेट्स सी हाउ इट गोज। अगेन सर्च तो बड़ा किया जाता है, ये 48.1 मिलियन वीडियोज हैं, बट अगेन कॉम्पिटिटिव वाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रैंक इन दिस की पर्टिकुलर की वर्ड। तो फाइंडिंग योर कैपेबिलिटी ट्राई करते हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं देगा, लेकिन यू कुड जस्ट गिव इट अ ट्राई। ओ माई गॉड, दिस हैज वर्क। 100 आपको स्कोर दे दिया है फाइंडिंग योर कैपेबिलिटी यूजिंग योर लाइफ पर्पस। अब इसको हमने कॉपी किया एंड देन अगेन हमने इसको पेस्ट कर देना है इधर, एंड लेट्स सी विल पेस्ट इट हियर एज वेल। देखते हैं 400 क्रॉस किया है अगेन। अब देखिए 400 से ज्यादा हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं एक और टैग फिर भी डालने चाहूंगा ताकि वो 100 पूरा हो जाए। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से यूज कर दूँ कोई टैग। हाउ टू फाइंड योर पैशन इन बिजनेस, आई कैन यूज दिस, बट लेट्स सी कि इसको मैं यूज करके देखता हूँ कि कितना हो जाता है हमारा टोटल। वो 10 पूरे कर लिए मैंने। हाउ टू फाइंड योर पैशन इन बिजनेस, लेट्स सी डबल क्लिक करके ये हमें क्या स्कोर देता है। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर तो पता है, हमने देखना है कि ये सर्च वॉल्यूम जरा कम है, मैं यूज कर तो सकता हूँ बट अच्छा जी। हाउ टू फाइंड योर पैशन यूजिंग योर लाइफ पर्पस, मैं गो विद दिस यूजिंग योर लाइफ पर्पस, लेट्स सी। Nope. How to identify your passion using your life purpose. एक वर्ड हमने चेंज करके अब फिर चेक करते हैं कि क्या आता है स्कोर हमारा। ओके, नहीं आया। How to identify your passion using अब मैं इसको चेंज करता हूँ फिर से, identify identifying your passion using life purpose. Let's see, अब ये कहाँ पे जाता है? No, that again, उनके ये keywords नहीं हमारा किसी काम आ सकता। How to find your passion using your purpose in life. Let's see, अब ये वाला भी try करके देख लेते हैं कि will it help or not. Yet again search देखें आ रहा है, लेकिन comparative बहुत है, बहुत लोगों ने use किया है, इसीलिए हम लोग ये use नहीं कर पा रहे।
सामने एक और आ रहा है, फाइंडिंग योर पैशन एंड पर्पज इन लाइफ। लेट्स सी विल इट वर्क और नॉट। ओके वी कैन नॉट यूज द साइन, मैं इसमें एंड डाल लेता हूँ, कोई बैकस्पेस भी करना था वो रह गया। अपने स्पेलिंग्स का बहुत ख्याल रखना है, अगर आपने देखो ये सर्च भी नहीं हो रहा ज़्यादा तो ये हम बोला कि फिर भी वी हैव 225 मिलियन वीडियोज़ लेकिन बहुत ज़्यादा सर्च नहीं होता ये, ठीक है ना। फाइंडिंग योर पैशन एंड पर्पज इन लाइफ, हाउ टू फाइंड, मैं लिखता हूँ उसमें हाउ टू फाइंड योर पैशन एंड पर्पज इन लाइफ। लेट्स सी अब आगे देखते हैं। अच्छी थोड़ा सा वीडियो प्ले करके देखते हैं, यू हैं और ये काम कर सकते हैं और यही हमारी कैपेबिलिटीज हैं। अभी हम इस वर्कशीट को फिल करेंगे जिसके अंदर ये कॉलम्स आपको नजर आ रहे होंगे। सो ओके व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, व्हाट इज योर purpose in life. In life, lucky I don't think so it could work that much, but ek dafa try kar sakte hain hum. Okay no that's very bad in score. Okay let's go for another keyword. Hum sort of sochte hain aur sochne se better hai hum zara is pe bhi nazar rakh lein, रिफ्रेश करते हैं स्कोर्स, यू माइट गेट समथिंग न्यू रेलेवेंट। सर्च ट्रैफिक के हिसाब से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्च और नहीं ड्राइव नहीं कर रहा वो। रेलेवेंस पे आते हैं हम, लाइफ एडवाइस, फाइंडिंग योर पर्पस। ओके इसके स्कोर्स नहीं है ना। नाउ टू फाइंड योर पैशन, नाउ लाइफ एडवाइस। ओके हाउ टू देखते हैं, फाइंडिंग योर पर्पस लगा के हम चेक करते हैं कि इसका स्कोर कितना है। अगर इसका स्कोर हमारे काबिल हुआ तो हम इसको यूज़ भी कर सकेंगे अपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए। डबल क्लिक मैंने कर दिया है, लेट्स सी वेटेड स्कोर क्या देता है। हालांकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा देगा ये क्योंकि बहुत छोटा सा कीवर्ड है। फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ एंड नो, मैंने कौन कौन से यूज़ कर लिए हैं अभी तक, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, ये भी बता रहा है मुझे। ओके अपनी लिस्ट पे जाके देखते हैं, हमारे पास है डिफाइन योर पर्पस, एक्सप्लेन डिफाइनिंग योर पर्पस द इजी वे, फाइंड पर्पस इन लाइफ मोटिवेशन। ओके व्हाट इज द पर्पस स्टेटमेंट एंड व्हाई इट इज यूज्ड, हाउ टू यूज योर पर्सनल, ओके गार्डन टू क्लैरिफाई प्रूव्स कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाई लर्निंग अबाउट योर पर्पज इन लाइफ, ये भी हो गया वो भी हो गया। हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस बाई लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, वट इज अ पर्पज स्टेटमेंट। वट इज योर पर्पज इन लाइफ एक्सप्लेन्ड, मुश्किल है कि ये ज़्यादा रैंक करे। But you never know, let's see the weighted version. Video ka long duration kitna hai? 5 minutes. What is your purpose in life explained in 5 minutes? 5 minutes means kitna dekhta hu ye will it work? No. इसका और हाल है मेरे पास 5 मिनट्स। तो ये बड़ा एक टेक्निक है अक्सर लोग यूज करते हैं, लेट्स सी विल इट वर्क और नॉट। सी समटाइम्स गोइंग ऑफ द बुक वर्क्स, व्हाट इज द पर्पस इन लाइफ एक्सप्लेन्ड इन 5 मिनट्स, काम कर गया, 98 आया है। अब लेट्स सी के आपकी ये टैग कैरेक्टर्स कितने कहाँ लेके जाता है ये। ओ हम एक चीज भूल गए, हमने इसको हटाना था बिकॉज दिस इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। लाके आया तो बड़ा, अब विल इट वर्क और नो वी कैन नॉट यूज दिस, दिस इज अ वेरी लॉन्ग कीवर्ड, हम इसको डिलीट करेंगे। हम एक और सोचते हैं, एक और डिफाइनिंग लाइफ पर्पस इन 5 मिनट्स। दान काश.com
0304 ट्रिपल 15786।